हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अभी फिर से नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास ये मक्के का आटा है, तो मैं आज मक्के के आटे की रोटी बनाने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने 200 ग्राम मक्के की आटा ले लिया है। और यहाँ 2 टेबल स्पून हमारे पास कुकिंग ऑयल है, और यहाँ हमारे पास स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, ये मैंने हल्की सी अजवाइन ले रखा है। तो सबसे पहले मैंने ये नमक और अजवाइन को इसमें डाल दिया है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छी तरह मिक्स होने के बाद दोस्तों, मैं इसमें ये कुकिंग ऑयल जो हमारे 2 टेबल स्पून है उसे भी डाल देते हैं, जिसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और थोड़े से गुनगुने पानी के साथ इसका हम डो रेडी कर लेते हैं। डो हमारा गीला नहीं होगा, तो डो हमारा नॉर्मल होगा, हल्की सी, जैसा हम रोटी के लिए डो रेडी करते हैं उससे हल्की सी टाइट रखेंगे। तो आइए गुनगुने पानी के साथ इसका डो रेडी करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने इस तरह से इसका डो रेडी कर लिया है। तो जब इस तरह से डो रेडी हो जाए, तो हम इसमें 1 कप मीन्स हमारा ये 50 ग्राम के आसपास आटा है, जो कि हम अब इसमें डाल देंगे, जो कि बाइंडिंग के लिए परफेक्ट है। तो आइए अब हम आटे को भी मक्के के आटे के साथ डो रेडी कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा आटा रेडी हो चुका है, डो जो कि हमारा मक्के की है। तो 200 ग्राम मैंने मक्के का आटा लिया था, और 50 ग्राम हमने गेहूं का आटा लिया था। तो आइए अभी से 2-3 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। अब उसके बाद हम इसकी लोई काट के हम बेलने की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, 2 मिनट के बाद मैंने इस तरह से उसके छोटे छोटे लोई 5 डिवाइड कर लिया, 5 पार्ट में। तो मैंने एक प्लास्टिक को लिया और इस तरह से इसे काट लिया है। तो सबसे पहले तो प्लास्टिक के ऊपर हम कुकिंग ऑयल हल्का सा लगा देंगे। तो आइए हम पहले सारे प्लास्टिक के ऊपर लगा देते हैं, ताकि हमारा जो मक्के की डो है, जब हम रोटी बनाएंगे तो ये इसके ऊपर चिपके ना। तो दोस्तों, तेल लगाने के बाद हम इस तरह से इसे रख लेंगे, और उसके बाद हम इस तरह से प्लास्टिक से ढककर इसे बेल लेंगे। आप चाहें तो बेल लें, या चाहें तो प्रेस कर लें। तो मैं इसे बेल लेता हूँ बेलन के सहारे से। तो हम ज़्यादा प्रेस करके नहीं बेलेंगे, बस हल्की हल्की ही ऊपर ऊपर से बेल लेते हैं रोटी की तरह। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने इस तरह से इसे बेल लिया है, और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है बेला हुआ। तो आइए सबसे पहले तो हम तवा लेंगे। तवा को मैंने ऑलरेडी गैस पे रख लिया है। तो दोस्तों, मेरा तवा गर्म हो चुका है, तो अभी से मैं बहुत ही केयरफुली मैं अब तवे पे रखूँगा, प्लास्टिक के साथ ही रखेंगे। मीन्स हम डायरेक्ट इसे उठाएंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही हम उठा लेंगे तो ये टूट जाएगा। तो हम इसे प्लास्टिक के साथ उठाएंगे और फिर तवे के ऊपर रख देंगे, फिर प्लास्टिक को हटा लेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसे तवे पे रख लिया है केयरफुली। अब इसे हम एक साइड से अच्छी तरह से पकने देते हैं, तो फिर हम उसको दूसरी साइड से पलट लेंगे और पकाएंगे। हमने इसे स्लो फ्लेम पे ही पका रहा हूँ, तो एक साइड से पक चुका है, तो आइए अब इसे हम पलट लेते हैं। अब इसके ऊपर हम बटर, घी, या आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर कुकिंग ऑयल यूज करूँगा। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा मक्के का रोटी पकना शुरू हो गया, फूलना भी चालू हो गया है। तो ये तो यहाँ से फट गया है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए फट जाती है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि मक्के की रोटी बहुत आराम से सेकिएगा, मीन्स स्लो मीडियम फ्लेम पे ही, कम से कम 5 से 8 मिनट एक पराठे पे दीजिए, ताकि ये अंदर से टाइम भी लगता है पकने में, और अगर जब ये पक जाए अच्छे तरह से तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए मैं इसे पका लेता हूँ स्लो मीडियम फ्लेम पे। तो दोस्तों, ये देखिए हमने इस तरह से इसे सेक लिया है, और काफ़ी बेहतरीन सेकी हुई है दोस्तों। ये देखिए दोनों साइड से अच्छी अच्छी तरह से सेक चुका हूँ, इसे मैं स्लो मीडियम फ्लेम पे ही सेका था। तो दोस्तों, आप इसे मेथी या
सरसों के साग के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो किर्गिस्तान में तो नहीं मिलती है सरसों मेथी के साथ, तो मैं इसे मायनीज के साथ खाऊंगा, वो भी बहुत टेस्टी लगती है उसके साथ भी। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और जैसा कि हमेशा बोलता हूँ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।